सो हेलो गाइस, पुनीत इज बैक विथ न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वन ऑफ द पॉपुलर कैमरा सोनी के साइड से, जो कि है NX100। तो NX100 वन ऑफ द पॉपुलर कैमरा है सोनी का और बहुत ज़्यादा सेल होने वाला है मार्केट के अंदर, और बहुत लोग इसे बहुत टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं। कस्टमर्स की कुछ मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि जो इसका ऑटो फोकस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, कई बार हंट करता है, बहुत बार उसे मैन्युअली यूज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी ट्रिक्स NX100 के अंदर, क्या आप अपने ऑटो फोकस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर पाओगे इस कैमरा के अंदर, और इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए ऑटो फोकस को लेकर के जिससे कि जो आपके हंट करता है, जैसे ही कोई सब्जेक्ट आगे से निकला और ऑटो फोकस छूट गया तो जो हंटिंग का इशू है वो हंटिंग का इशू इस कैमरा में आपको और जो आपको अभी आ रहा है उससे बहुत कम हो जाएगा। तो इस ट्रिक के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, हम अपने कैमरा में आ चुके हैं जो कि NX100 मेरे सामने, हम उसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने ऑटो फोकस को और अच्छा बना सकते हो इस कैमरा के अंदर, बिकॉज ऑफ इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं जिसकी मदद से आप अपने ऑटो फोकस को अपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉक कर सकते हो। तो जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि बार बार आपका जो ऑटो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता था किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो इस सेटिंग से आपका वो कई हद तक सही हो जाएगा। तो वो सेटिंग कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाने के बाद आपको कैमरा सेट के अंदर आना है। यहाँ पे आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा फेस डिडक्शन ऑटो फोकस। तो जैसे ही आप इसे ऑन कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटो फोकस किसी भी आपके सामने जो भी ह्यूमन बीइंग होगा उसके फेस के ऊपर ऑटो फोकस रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उस सब्जेक्ट के फेस के ऊपर ऑटो फोकस को लॉक कर सकते हो सेट वाला या ओके वाला बटन दबा करके। तो अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है जैसे कि आप एक स्टेज पे बैठे हैं, स्टेज पे लड़का और लड़की मतलब दूल्हा और दुल्हन आपके सामने बैठे हैं और चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर ही फोकस जो है लॉक रहे, बार बार जैसे ही कोई सामने से क्रॉस करता है तो बार बार उसके ऊपर ना शिफ्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर आप इस ऑटो फोकस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑटो फोकस को यूज़ ऑन करेंगे आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे आपके सामने उस पर्टिकुलर सीन के अंदर उनके फेस को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उससे सब्जेक्ट के ऊपर लॉक कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द गुड ऑप्शन मैं मानता हूँ। आप लॉक करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रायोरिटी डाल सकते हो इस कैमरा के अंदर, ताकि आपका जो फोकस है वो आगे पीछे ना भागे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, उस लाल बटन को जरूर दबा दे, और साथ ही में आपको बिलो लिंक के अंदर देखने को मिलेंगे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इवन आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सोशल अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं हमेशा अपने कस्टमर्स और अपने व्यूअर्स का रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दैट, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टे ट्यून, स्टे रॉक।